अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं घर से बाहर हूँ, घर से इतना बाहर नहीं हूँ, हमारा घर पास ही है, लेकिन ये एक जगह है जहाँ पर हम वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन हम वॉक कर नहीं रहे, बस आके हम बेंचेस पे बैठ गए हैं और थोड़े थोड़े सैड भी हैं। पता नहीं क्यों आज अजीब सा दिल सैड सैड है, और बस यही आके हम बैठ गए। मैं आप लोगों को जगह भी दिखाती हूँ। ये है वो जगह जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और वो रहा दूर चांद। और जब भी मैं सैड होती हूँ तो मैं कभी कभार पोइट्री पढ़ लेती हूँ या सुन लेती हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसको बहुत अच्छे शेर आते हैं ना, उसने जो जवाबी शिकवा जो है ना, उसने पूरा याद कर चुकी है वो लड़की। चले आज हम ना थोड़े से रूबा से ना शेर सुनते हैं। मेरी छोटी बहन, उसका नाम रूबा है, आज ना हम उससे थोड़े से शेर सुनते हैं। चलो रूबा, हमें कुछ भी आप सुना दो, कुछ भी सुना दो। ये शिकवा तो नहीं है, लेकिन ये एक नज़म टाइप कह सकते हैं। कीगा हमें याद इस दौरे खुद फर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, बा खुदा याद नहीं, अपने इस्लाफ की कोई भी अदा याद नहीं। है अगर याद तो काफिर की तराने ही बस, है अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बुत हव्वा को नचाते हैं सरे आम महफिल में, सब कुछ याद है मगर रस्म हया याद नहीं। अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। वाह वाह माशाल्लाह रूबा, वाह वाह रूबा, क्या कहने आपके, हम तो आपके फ़ैन हो गए हैं जी। माशाल्लाह रूबा, बहुत अच्छी आपने हमें पोइट्री सुनाई है, लेकिन वो इतनी सुनाती नहीं है, लेकिन आज मैंने उसे कहा तो उसने सुनाई दी है ना। वो शर्मा भी रही थी, अब वो हंस रही है बैठ के। रूबा आपने इतना अच्छा हमें शेर सुनाया और आप हंस क्यों रहे हो जी। अच्छा रूबा, आप और कुछ हमें सुनाना पसंद करेंगी? नहीं, बस काफ़ी है, बस एक ही शेर आपने हमें सुनाना था यार, कुछ और सुना दो, हम मुंतजिर हैं आपके जी। इतनी फरमाइश तो रूबा, कुछ भी सुना दो। अच्छा चलो एक और सुनाते हैं। ये इस नज़म के चंद मिसरे मैं सुनाती हूँ। खजां की रुत में बहार लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जिद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा सी लफ्ज़िशों पे तोड़ देते हैं ये ताल्लुक ज़माने वाले, ऐसे वैसों से ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। सच बताऊँ मुझे ना खुद पोइट्री से बड़ा, मैं पढ़ती रहती हूँ अक्सर और मैं याद करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे पोइट्री नहीं याद रहती। एक शेर है ज़माने का बस मुझे आता है, बस वही मैं आज आप लोगों को भी सुना देती हूँ, मुझे नहीं याद रहती। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन ये हम सड़क के किनारे समझ ले बैठे हुए हैं और ये पास से बाइक्स और गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा होगा। आज हम घर में काफ़ी बोर हो गए थे, इसलिए फिर हमने कहा चलो बाहर ही बैठ जाते हैं ना। चले मैं आपको शेर सुनाती हूँ जो मुझे आता है, बस एक ही आता है, पढ़ती हूँ लेकिन वो मैंने लिखे हुए हैं, बस मैं देख के पढ़ लेती हूँ। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इसका ये है कि आपको कभी भी, ये शेर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, आपको ये कहा आपको जैसे आप हैं ना, आपको वैसे ही रहना चाहिए। अगर आप सादा पसंद इंसान हैं तो आपको सादगी ही इख्तियार करनी चाहिए, जैसा आपका मिजाज है आपको वैसे ही रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो ऊपर मतलब बनिया जो होते हैं ना, अजीब सा खोल चढ़ा लेते हैं, वो खुद वैसे होते नहीं है, दिखावटी खोल, हाँ दिखावटी खोल अपने ऊपर चढ़ा लेते, वैसे वो होते नहीं है लेकिन वो बनते रहते हैं वैसे ना, हम ऐसे हम ऐसे, ऐसे नहीं रहना चाहिए। जैसे आप हो आप वैसे रहो, लोग आपको वैसे ही पसंद, जैसे आप हो लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे, वैसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करते ओ यार नहीं तो ना से। आपको कभी भी अजीब लोगों ने ना, ये जो लोगों की ये मोटरसाइकिलों की आवाज़ें अजीब निकलती है ना, साइलेंसर फाड़े होते हैं, अजीब पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कर रहे होते हैं। आप आराम से बाइक चलाओ जी, आवाज़ ठीक है, जितनी बाइक है उतनी होनी चाहिए,
अलग से इन्होंने वो बाइक के सिलेंसर फाड़ के ना अजीब सिस्टम किया होता है। वो मैं कह रही थी आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दिखावटी अपने ऊपर लगाता औरतें हैं दिखावट का, तो फिर आप एक बार उसे थक जाते हो, आपका दिल करता है कि अब हम हर चीज़ से भाग जाए, ये ख़त्म हो जाए। फिर अगर हम चाहें भी ना कि हम जो हैं वैसे लोगों के सामने जाएं, दुनिया के सामने, फिर हम चाह के भी वैसा कर नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे हमने स्टार्टिंग से अपने आप को दिखाया होता है, फिर लोग यूज्ड टू हो जाते हैं हमें उसी तरह का देखने को। तो फिर यूँ ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसान भी थक जाते हैं इन चीज़ों से। वाह माशाल्लाह रूबा, आपने बहुत अच्छी बात की है। रूबा मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ यार, मुझे तो पता नहीं था आपके अंदर ये भी टैलेंट है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। रूबा कोई चांद पे आपको शेर याद हो? मैं चले रूबा आप हमें आखिरी शेर सुना दें और हम अपने ये भी लोग का इसको जो भी समझे हम इसका इख्तिताम करें। रूबा बस आखिरी शेर, ये शेर तो नहीं है बट लाइंस है, काफ़ी खूबसूरत लाइंस है, मुझे पसंद है। ये गाड़ी गुजर रही फिर बोलना। हाँ वो कुछ यूँ है कि चेहरों से नहीं पता लगता दिल के गहरे ज़ख्मों का, चेहरों से नहीं पता लगता दिल के गहरे ज़ख्मों का, साहिल पे खड़े होकर कौन जाने समंदर कितना गहरा है। वाह 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 वाह, सच में रूबा यू आर ग्रेट। रूबा आपकी शेर व शायरी का ज़ौक बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। चले हम अपना, अब ना काफ़ी देर हो गई हम यहाँ बैठे हुए, अम्मी भी वेट कर रही होंगी, अब हम चलते हैं घर और नमाज का भी, ईशा की नमाज का भी टाइम हो चुका है। आप लोग भी नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें, पाबंद हो जाए नमाज के ना। तो चले मैं भी जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये व्लॉग जो भी है आपको पसंद आया है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय चांद।